सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आउटपुट जो हमें मिल रहा है उस आउटपुट पे हमें रिपल्स मिल रहा है, मतलब कंटिन्यू स्ट्रेट फॉर्म में हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, ओके पल्सेटिंग फॉर्म में मिल रहा है। तो इस आउटपुट को हमें स्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, ओके पल्सेटिंग फॉर्म में नहीं। तो हम लोग उसको आउटपुट को स्टेट फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए, स्टेडी फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडक्टेंस यानी एक्सएल की बात करें, ये अपने अंदर से डीसी को पास होने देता है, एक्सएल की बात की जाए, ओके क्योंकि एक्सएल का जो रेसिस्टिविटी होती है या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो जीरो होती है डीसी के लिए। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो यू नो वेरी वेल दैट एक्स इक्वल टू 1/ωc, ओके यानी एक्स इक्वल टू 1/2 πμc। अब यहां पे म्यू की वैल्यू यानी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज जीरो। डीसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, डीसी जीरो ही तो होगी बच्चों। वो तो एसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइनाइट होती है, कुछ ना कुछ होती है, बट डीसी में तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज जीरो। तो यहाँ पे एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो एक्सी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और एक्सी इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस फिनोमिना पे बेस्ड जो रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर में। वैसे के लिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को सजेस्ट करेंगे क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आप रिपल को रिमूव करने के लिए इन एलिमेंट्स को लगा भी देते हो तब भी आपको पल्सेटिंग फॉर्म में ही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इसमें हाफ साइकिल में तो आपको आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, इसलिए पल्सेटिंग फॉर्म में ही आपको आउटपुट मिलेगा। इसलिए यहां पे जो हम रिपल्स रिमूव करने की बात करेंगे ये किसके लिए करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि यहां पे आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कंटिन्यूअसली स्टेडी फॉर्म में मिलेगा विदाउट पल्सेटिंग फॉर्म। तो इसको समझने के लिए हम डीजी की तरफ मूव करेंगे। नाउ स्टूडेंट, कम टू द फिगर नंबर 14.20। इस फिगर में हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, क्यों कनेक्ट किया हुआ है, ताकि हमारे को जो पल्सेटिंग आउटपुट मिल रही है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में मिले। ओके तो जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो इस तरीके से मिलेगा बच्चों, यू कैन सी, ओके ये स्टेडी फॉर्म में मिलेगा। ओके अगर विदाउट कैपेसिटर की हम बात करते हैं तो आपका आउटपुट इस तरीके से मिलता, जो डॉटेड फॉर्म है ये फॉर्म में आउटपुट मिलता है। तो हमने इस रिपल को या फिर इस रिपल को रिमूव करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, एक कैपेसिटर लगाया। अब यहाँ पे देखो कैपेसिटर जो होगा इसके अक्रो, जैसे कैपेसिटर के यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहां पे इसका सिर्फ डीसी जो आरएल मिलेगा उस आरएल का सिर्फ डीसी कंपोनेंट ही हमें यहां पे इस आरएल के अक्रोस मिलेगा। ओके आई होप आपको बात समझ में आ गई। यहां पे हमने एक रेक्टिफायर यूज किया, एसी इनपुट में दिया, दिस इज रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या करेगा, दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर, वो क्या करेगा आपके जो नेगेटिव साइकिल्स हैं इसको भी अपवर्ड साइड में भेज देगा, और पॉजिटिव साइकिल तो ऑलरेडी अपवर्ड साइड में ही है। फिर उसके बाद इस कैपेसिटर के अक्रोस जो भी आपका एसी वाला पार्ट रहेगा, ओके ये एसी वाला पार्ट तो यहां से निकल जाएगा, अब जो डीसी वाला पार्ट है वो आपको इस आरएल का क्रॉस मिल जाएगा। तो डीसी कंपोनेंट आपका यहां से जा रहा है बच्चों, जिससे आपको डीसी वाला पार्ट मिल जाएगा। अच्छा अगर हम जीनर डायोड की बात करें तो जीनर डायोड आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 486। ओके इस 486 में आपको एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये टॉपिक आपके सिलेबस में से हटा दिया गया, और इससे पहले का जो जीनर डायोड था वो भी हटा दिया गया। एन एग्जाम्पल 14.5 ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। सो कम टू द फोटो डायोड। ओके कि ये जो डिवाइसेज हैं ये लाइट पे किस तरीके से वर्क करती है, तो हमें हमें हम यहाँ पे कुछ डिवाइसेज को देखेंगे जो कि लाइट की इंटेंसिटी से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में वेरिएशन आता है। ओके सो स्टार्ट करते हैं विद द फोटो डायोड। फोटो डायोड करता है क्या है, ये बेसिकली जो ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट करता है, और ऑप्टिकल सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ये अपना एक आउटपुट वोल्टेज देता है, जिससे हमें ये फाइंड आउट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल पर्टिकुलर इस इंटेंसिटी की है। अगर हम सिंबल की बात करें तो दिस इज द सिंबल ऑफ फोटो डायोड। हमें करना क्या है, एक डायोड का सिंबल बना देना है और उसके ऊपर लाइट को इस तरीके से फोल्ड करवाना है, दो रेज या फिर थ्री रेज आप बना सकते हो जो इसके ऊपर फोल्ड हो रही है। इट रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ द फोटो डायोड। ये जो फोटो डायोड है ये रिवर्स बाइस में वर्क करता है, यानी यहां पे माइनॉरिटी करंट प्रोड्यूस होते हैं। ओके मेजॉरिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, यानी यहां पे जो आपके पास जो पोटेंशियल मिलेगा, ओके उस पोटेंशियल की वैल्यू जो आपके पास गेप पोटेंशियल आ रहा है उससे ग्रेटर होगी। अच्छा एक टर्म आती है इसके अंदर डार्क करंट। डार्क करंट क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि फोटो डायोड के अंदर जो करंट हमें मिल रहा है वो लाइट की इंटेंसिटी की वजह से या फिर लाइट फॉल होने की वजह से मिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब लाइट फॉल नहीं होती फोटो डायोड में तब भी उस फोटो डायोड के अंदर से करंट जनरेट हो रही थी ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर, तो उस करंट को हम बोलते हैं बच्चों यहां पर डार्क करंट। ओके तो डार्क करंट भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ द फोटो डायोड।
ओके द फर्स्ट वी यूज टू मेजर द लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम फोटोडायोड यूज करते हैं। सेकंड, इन डीमोडुलेशन ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल। ओके, आपके एक चैप्टर था अब नहीं है, ओके, जिसमें कम्युनिकेशन में हमने मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन के बारे में हमने हमें देखते, बट वो चीज अब आपके नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमें तो बस इसको एज इट इज याद कर लेना, इन डीमोडुलेशन ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल, बट ये चीज अब आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, ना लॉजिक सर्किट, ये वाला पार्ट भी अब आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, लॉजिक सर्किट भी नहीं है, बट यूजेस में हम लिख सकते हैं कि जो फोटोडायोड है ये लॉजिक सर्किट में यूज में आते हैं। ओके, कैसे आते हैं वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं, ओके, यानी वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो कि ऑप्टिकल के बेस या फिर लाइट के ऊपर बेस्ड होते हैं, उन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में भी हम फोटोडायोड को यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द कनेक्शन और सर्किट डायग्राम ऑफ द फोटो डायोड। ओके, जिसमें आप देख सकते हैं कि पी को हमने एन से कनेक्ट किया हुआ है और एन को हमने यहाँ पे मतलब पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से रिवर्स बायस रहेगा और दिस मिडल रीजन इज द डिप्लीशन रीजन, जहाँ पे लाइट फॉल हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग इस विड्थ में वेरिएशन आ रहे हैं। ओके, और हमें अलग अलग माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। इस डायग्राम को देखा जाए, दिस इज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फोटो डायोड। इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि अगर लाइट की इंटेंसिटी हम वेरी कर रहे हैं या फिर लाइट की इंटेंसिटी वेरी कर रही है, तो यहाँ पे बच्चों आपको अलग अलग कर्व मिल रहा है। इट मीन्स I1, I2, I3 फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ओके, और इस इंटेंसिटी को देख के हम साफ समझ सकते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो करंट जनरेट हो रहा है रिवर्स साइड में, उस करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। ओके, इट मीन्स I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। दिस इज योर रिवर्स बायस साइड। अब हम बात करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड की। जैसे कि नाम से लग रहा है कि जो लाइट एमिट करने वाले जो डायोड होते हैं, दैट डायोड इज नोन एज अ लाइट एमिटिंग डायोड। इवन आप लोगों ने लाइट एमिटिंग डायोड देखा भी होगा, इस तरीके से होते हैं बच्चों। ओके, आपको शायद ध्यान होगा, इस तरीके से जो डायोड्स होते हैं या फिर लाइट एमिटिंग डिवाइस जो होती है उसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, अगर हम सिंबल की बात करें तो दिस इज द सिंबल ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। हमें क्या करना है बच्चों, एक डायोड बना देना है। ओके, और उस डायोड के ऊपर लाइट रेस को बाहर की तरफ निकलते हुए शो कर देना है। सो इट विल बी द लाइट एमिटिंग डायोड। कनेक्शन की बात करते हैं। ओके, कनेक्शन कैसे करना है, जैसे कि हमें ऑलरेडी मालूम है कि यहां पे हमें सप्लाई देनी पड़ेगी लाइट को फाइंड आउट करने के लिए या फिर लाइट को रिसीव करने के लिए या फिर लाइट को जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे सप्लाई देनी पड़ेगी। फोटोडायोड में क्या हो रहा था बच्चों, हम लाइट एनर्जी फॉल करवा रहे थे, जिससे हमें क्या मिल रहा था बच्चों, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर मिल रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हम एनर्जी अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे हमें लाइट मिलेगी। तो हमने क्या किया, इसका जैसे ये होल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी साइड को, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन साइड को, तो हमने इस पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, यानी फॉरवर्ड कनेक्शन कर दिया। अब फॉरवर्ड कनेक्शन करने के बाद जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड कनेक्शन हुआ तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में, जिसकी वजह से लाइट कलर एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब जो लाइट कलर एमिट हो रहे हैं ये आपके ईजी के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी किस कलर की लाइट एमिट हो रही है बेसिकली वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, ईजी के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो ये इंफ्रारेड लाइट एमिट करेगा, अगर हम जीएपी की बात करें तो ये रेड ग्रीन कलर की लाइट एमिट करेगा। अच्छा, हम बात करते हैं कि लाइट एमिटिंग डायोड के एडवांटेजेस क्या है, तो इसको देखने के लिए आप कम टू द पेज नंबर 488। ओके, बच्चों यहाँ पे अलग अलग ईजी की वैल्यूज भी गिवन है। पेज नंबर 488 पे जो पैराग्राफ है जिसकी फर्स्ट लाइन है, एलईडी दैट कैन एमिट रेड येलो ऑरेंज ग्रीन एंड ब्लू लाइट आर कमर्शियली अवेलेबल। दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हर एक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आपको वैल्यूज बताई गई है कि ईजी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए किस कलर की लाइट को एमिट करने के लिए। ओके, इंफ्रारेड लाइट एमिट करनी है तो ईजी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1.4 इलेक्ट्रो वोल्ट होनी चाहिए। अगर आपको रेड लाइट एमिट करनी है तो ईजी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 19.9 इलेक्ट्रो वोल्ट होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज आपको इस पैराग्राफ में गिवन है। अब हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की। ओके, गिवन ऑन द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 488। सो फर्स्ट, लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं देना होता है, और ये बहुत कम पावर के होते हैं। सेकेंड, फर्स्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। ओके, इसमें क्या होता है, जैसी लाइट एमिटिंग डायोड को आप ऑन करते हो तो ऐसा ही नहीं होगा कि ये धीरे धीरे वार्म होगा फिर उसके बाद वो लाइट एमिट करना स्टार्ट करेगा, नहीं। जैसे ही हमने लाइट एमिटिंग डायोड को एक्शन में लाया,
ये उसी टाइम से लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देगा। नाउ द थर्ड वन, द बैंडविड्थ ऑफ एमिटेड लाइट इज 100 एंगस्ट्रॉम टू 500 एंगस्ट्रॉम और इन द अदर वर्ड इट इज नियरली बट नॉट एग्जैक्टली टू द मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, यहाँ पे जो लाइट हमारे को एमिट होती है एलईडीज में, ये मोनोक्रोमेटिक होती है और इनकी बैंडविड्थ की रेंज भी हमें गिवन है। ओके, यानी एक कलर की लाइट हमें यहाँ पे एमिट होते हुए मिलेगी। नेक्स्ट वन, लॉन्ग लाइफ एंड रिजिडनेस, मतलब मजबूत होती है और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी, जैसे हम इसको ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो ये जल्दी से ही ऑन ऑफ हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमने ऑफ किया तो कुछ टाइम के बाद वो लाइट जो होगा वो धीरे 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 मतलब उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, फिर हमने ऑन किया तो लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हमने ऑन किया लाइट एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ही हमने ऑफ किया लाइट एमिट होना बंद हो जाएगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। नाउ स्टूडेंट कम टू द सोलर सेल। ओके, अब सोलर सेल क्या करते हैं बच्चों, जो सोलर से आने वाले जो रेडिएशंस होते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है, उस लाइट एनर्जी को ये ईएमएफ में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स इट जनरेट द ईएमएफ। ओके, इसमें भी हम डायोड यूज करते हैं। ओके, जिसमें एक पी जंक्शन होगा, एक एन होगा। जो एन होता है उसकी थिकनेस कम होती है इन कंपेरिजन टू द पी। ओके, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, दैट वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल। ओके, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो फोटोडायोड की तरह होता है। जो फोटोडायोड का प्रिंसिपल था वही सोलर सेल का प्रिंसिपल है। इसमें किसी एक्सटर्नल बायस की जरूरत नहीं होती। ओके, देयर इज नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड। कोई एक्सटर्नल बायस नहीं लगाते, यानी वोल्टेज कोई अलग से हमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ पर ऑलरेडी वोल्टेज जनरेट करना है, ईएमएफ जनरेट करना है, तो हम अलग से क्यों कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, जंक्शन एरिया इज कैप्ट मच लार्जर फॉर द सोलर रेडिएशन। जो जंक्शन एरिया होता है उसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा रखते हैं उस एरिया को, ताकि उसके ऊपर मैक्सिमम सोलर रेडिएशन उसके ऊपर फॉल हो सके। नाउ अगर हम जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय सोलर सेल की बात करें कि जनरेट कैसे होती है, व्हेन द लाइट फॉल्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री बेसिक प्रोसेस। उसके अंदर तीन बेसिक प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड इज सेपरेशन, एंड थर्ड वन इज अ कलेक्शन। सो स्टूडेंट कम टू द सर्किट डायग्राम ऑफ द सोलर सेल, एंड दिस इज द कनेक्शन डायग्राम, एंड यू कैन सी हाउ वी कनेक्ट द टर्मिनल्स। ओके, दिस इज अ बैक कॉन्टैक्ट, पी साइड के साइड में बैक कॉन्टैक्ट है और एन साइड के तो ऊपर आपके पास जो कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, फिंगर्स की तरह। ओके, हम क्या करते हैं कि जैसे आपका जो एन साइड है उसके ऊपर इस मेटेलिक कॉन्टैक्ट को इस तरीके से लगाते हैं ऐसे। उससे क्या होता है कि मैक्सिमम एरिया भी कवर हो जाएगा, बट अगर हमने मैक्सिमम एरिया कवर करने के चक्कर में पूरे का पूरा मेटल लेयर से इसको कवर कर दिया तो इसके ऊपर रेडिएशन भी फॉल नहीं होंगे। तो हमें क्या करवाना है, इस कॉन्टैक्ट को मैक्सिमम एरिया भी कवर करवाना है, साथ में ये जो पोर्शन है इसको रेडिएशन के लिए ओपन भी रखना है ताकि इसके ऊपर लाइट फॉल हो सके। तो हम इसमें इस तरीके के टर्मिनल्स यूज करेंगे। ओके, नाउ जो मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलते हैं मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड। ओके, नाउ ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, ये जो कॉन्टैक्ट होगा या फिर जो मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड होगा, ये अपर पोर्शन का या फिर टॉप सरफेस का हार्डली 15% एरिया ही यूज करेगा, यानी 85% एरिया इसका रेडिएशन के लिए खुला होना चाहिए। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ईएमएफ जनरेट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर, तो उसको समझने के लिए आप इस पैराग्राफ पे मूव कर सकते हैं। द जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय सोलर सेल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री बेसिक प्रोसेस, जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन। जनरेशन की बात करते हैं, जनरेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होना। ओके, इट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर ड्यू टू द लाइट। ओके, लाइट के एनर्जी का लेवल क्या होना चाहिए, दैट इज ईजी इज ग्रेटर देन एच मी, तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे क्लोज टू द जंक्शन। सेकेंड, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन। जो डिप्लीशन रीजन है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल जो जनरेट हो रहे थे वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू एन साइड एंड होल्स आर टू द पी साइड। द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाय इन फ्रंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड होल्स रीचिंग टू द पी साइड आर कलेक्टेड बाय बैक कॉन्टैक्ट। जो होल्स पी साइड की तरफ जा रहे हैं वो बैक कॉन्टैक्ट में कनेक्ट हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड पे जा रहे हैं वो इस मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड में कलेक्ट हो जाएंगे। दस द पी साइड बिकम पॉजिटिवली एंड एन साइड बिकम नेगेटिवली, गिविंग राइज टू द फोटो वोल्टेज। ओके, इस तरीके से आपको फोटो वोल्टेज मिल जाएगा। तो आप इस सर्किट डायग्राम को भी देख सकते हैं, यहाँ पे पी साइड और यहाँ पे एन साइड, तो यहाँ पे आपका एक ईएमएफ जनरेट होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसके
आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोलर सेल की। तो बच्चों ये जो पॉइंट है यानी इस पॉइंट पे अगर सर्किट ओपन है, ओके सर्किट ओपन है यानी कोई रेडिएशन फॉल नहीं हो रहा, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज है। जैसे ही यहाँ पे रेडिएशन फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा तो करंट हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो इस तरीके से कर्व मिलेगा, जब सर्किट आपका पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा यानी शॉर्ट करंट यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द शॉर्ट सर्किट करंट एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द ओपन सर्किट वोल्टेज, दिस इज द आइडियल वन। ओके तो ये ग्राफ हमें अच्छी तरीके से याद कर लेना है सोलर सेल का। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसके आगे जो टॉपिक्स है उनकी। तो पेज नंबर 490 से, ओके पेज नंबर 490 से, अच्छा एग्जाम्पल 14.7 की बात नहीं कर रहा, ये आपके कोर्स में है, बट पॉइंट नंबर 14.9 जो कि पेज नंबर 490 पे गिवन है, यहां से लेकर आपका पूरा चैप्टर पेज नंबर 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, इवन जो इसके अंदर जो एक्सेस इंटेक्स क्वेश्चन है मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ वो भी, ओके 500, 501, 502, 503, 504, 505 और 506, ओके इट मीन्स इसके बाद का जो भी पोर्शन है वो आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। ओके तो जितना मैंने पढ़ाया है बच्चों सिर्फ वही पोर्शन आपके सिलेबस में है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के वीडियो को आप बार बार देखना इसको बार बार समझने के लिए। ओके टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड डू प्रैक्टिस। थैंक यू।